अहमदाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंड बनाने के लिए दावे धरे के धरे रह गए। तफसीलात वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलमानी से। जी उबैदुर्रहमान सुलमानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नौजवान भी मौजूद हैं इफ्तवाद में, जितने ग्राउंड भी हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। बच्चे इस वक्त जो खेलते हैं वो कोई ये 8-8.5 मरले की जगह है जहां पर बच्चे इस वक्त अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये यहां पर क्यों खेल रहे हैं। ग्राउंड इफ्तवाद में बड़े हैं, कुछ ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड है, वो उसमें जाकर क्यों नहीं खेलते, आइए जानते हैं। जी आप क्यों यहाँ पर खेलते हैं, क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि ग्राउंड नहीं है कोई भी, जो है तो वो बंद है, तो बस फिर यही जो जगह खुली इसमें खेलते हैं। अच्छा, तो ये पीटीआई की हुकूमत थी, इनके इंतखाब निशानी बल्ला था, ये कह रहे थे हम ग्राउंड देंगे हर यूनियन काउंसिल में देंगे, क्या इफ्तवाद में जो ग्राउंड है वो बंद है या नए बनाए नहीं गए, क्या मसले है? बंद भी हैं और जो बनाने का था वो तो कुछ भी नहीं हुआ, जो है वो बंद क्यों है इन लोगों ने? अच्छा बिल्कुल, हमारी काफी लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि ये जो ग्राउंड है वो उनको बंद कर दिया गया है और जो